यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इतने बड़ी आबादी का राज्य हर एक सरकार ने अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे थे जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। और राज्यपाल महोदय ने इसी बात का उल्लेख किया कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है, और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का नादर है। और महोदय यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई, हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8,00,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए।